साक्षी महाराज, अपने आप को हिंदुओं का धर्म गुरु होने का दावा करने वाला यह शख्स लिब्राहम आयोग के उन 68 लोगों में शामिल है जिसे आयोग ने 1992 में हुए बाबरी मस्जिद को गिराने के जुर्म में आरोपी बनाया था। बंटवारे के बाद देश की यह सबसे शर्मनाक घटना थी। मैं इस बात के लिए गवाही दे रहा हूँ और ये मीडिया के कैमरे में भी बंद हो। स्वामी सच्चिदानंद उर्फ साक्षी महाराज से जब कोबरा पोस्ट रिपोर्टर के आशीष मिला तो इस शख्स ने अपना परिचय कुछ इस तरीके से दिया। सबसे पहली जो बुक बता रही थी वो आरएसएस के लोगों की। पूरे आंदोलन से मैं जुड़ा हूँ। इस आंदोलन में से आडवाणी जी को, कल्याण सिंह जी को, साक्षी महाराज को, उमा भारती को निकाल दो, जीरो आंदोलन। इस आंदोलन के चार हीरो हैं केवल, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आडवाणी। 1992 के अयोध्या के दंगों के बाद साक्षी महाराज MPLADS घोटाले में शामिल होने के कारण राज्यसभा से निष्कासित कर दिए गए थे। एक निजी चैनल ने साक्षी जी महाराज को MPLADS योजना के तहत काम देने के लिए ठेकेदारों से पैसों की मांग करते हुए दिखाया था। भाजपा से निष्कासित इस नेता ने अयोध्या की घटना में अपने आप को शामिल होने की बात खुद ही खुलकर कबूली। इसके अनुसार इसके योगदान के बिना अयोध्या की घटना हो ही नहीं सकती थी। साक्षी महाराज की बात माने तो 1990 में हुए कार सेवकों की मौत के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ही जिम्मेदार हैं। साक्षी महाराज अशोक सिंघल की इस योजना के बारे में खुलकर बताते हैं। ये सूचना आई कि सब लोग कह रहे हैं कि चलो घेर लो, तो मैंने कहा साला जो जो कह रहा पकड़ लाओ। अब मैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाने वाला, मैं सबको पहचानता तो नहीं, माने नहीं कौन कौन माने नहीं है, संघ के लोगों को, विश्व के लोगों को, मैं सबको जानता नहीं था। तो वो लोग थे बड़े बड़े अधिकारी संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, मैं जानता ही नहीं था। तो मेरे लोग पकड़ ले आते थे उनको और तहखाना था उसके नीचे, उसे बंद करवा देता था मैं। तो मैंने ऐसे 10 लोगों को बंद करवा दिया। मैंने सोचा शायद हमारे आंदोलन को बिगाड़ने वाले कुछ विरोधी आ गए, असामाजिक तत्व हैं ये, हम जानते नहीं थे। बोले हम करेंगे कुछ नहीं, अंदर चलो। हमारे यहाँ कोई बोली नहीं पाता, हमारे पास फौज जा बहुत बड़ी फौज थी हमारे पास, मतलब सारा होल्ड हमारे हाथ में था। तो हमने उसके तहखाने के अंदर बंद कर दिया लोगों को। मंच लगी हुई थी, साधु सब बैठे हुए थे, वामदेव जी महाराज अपने कमरे में बैठे थे, हम मंच का संचालन कर रहे थे और कोई भी नहीं आएगा। हमारा आदेश था तब तक अशोक सिंघल जी आ रहे हैं, माइक में आकर छीन लिया। अरे आप कौन होते हो और आपने कैसे कर दिया? तो मेरा आदेश है, जब आपने आदेश को दिन दिया तो कोई नहीं जाएगा। तो फिर मैं फिर लड़ गया, आज तक मेरे से संतुष्ट है। मैंने कहा सिंघल साहब, वामदेव जी महाराज का आदेश लो, इस मंच के मालिक वामदेव जी महाराज हैं और मैं, वामदेव जी महाराज आदेश नहीं देंगे मैं माइक नहीं दूंगा, वामदेव महाराज आदेश देंगे मैं माइक दूंगा। तो वो वामदेव जी पास थे, मैंने सोचा झूठी मुझसे कहीं आगे कह दें तो मुश्किल हो जाएगी, तो मैं भी पीछे पीछे चला गया। तो मेरे सामने अशोक सिंघल जी ने कहा, महाराज कुछ लोग नहीं मरेंगे तब तक आंदोलन मुझसे नहीं चलता, तो आप आगे तो जाने को। तो अशोक सिंघल जी ने कहा, वामदेव जी ने कहा तो बच्चे मर जाएंगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। बोले महाराज जब तक नहीं मरेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, आंदोलन तभी आगे बढ़ेगा। आवर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था,
वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। अशोक सिंघल की योजना के मुताबिक कुछ हिंदुओं के मरने के बाद ही यह आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ सकता था। अशोक सिंघल और संतों के मुखिया वामदेव महाराज के बीच हुई इस बातचीत का साक्षी महाराज अपने आप को गवाह भी बताते हैं। साक्षी महाराज रिपोर्टर को इस योजना के बारे में कुछ इस तरह से बताते हैं। अशोक सिंघल जी ने कहा, महाराज कुछ लोग नहीं मरेंगे तो आंदोलन ऊपर नहीं उठेगा, तो आप आज्ञा दो जाने की। वामदेव जी ने कहा, बच्चे मर जाएंगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। बोले, जब तक नहीं मरेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, आंदोलन तभी आगे बढ़ेगा। तो इससे हो गया था भाई, अब तो हम लोग अयोध्या में रहे केवल। अशोक सिंघल ने यह कहा कि मिलिट्री से बात करेंगे, मिलिट्री उड़ा देगी अगर उसको, वहां कोई मिलिट्री का सबसे बड़ा आदमी उनका रिश्तेदार था, उड़ा देगी, था कि नहीं था उन्होंने कहा बात हो गई। तो और उसी की गाड़ी से अशोक सिंघल वहां गए थे, क्योंकि उसे जाने नहीं दिया जाता था, लोग चोरी चोरी जा रहे थे। तो ये कह के ये अंडरग्राउंड हो गए, जब मस्जिद को हाथ नहीं लगाना है, वो मिलिट्री तोड़ेगी। तो हम लोगों को ये कह दिया कि दिल्ली चले गए अशोक सिंघल जी, लेकिन अशोक सिंघल जी वहीं कहीं अंडरग्राउंड थे और उन्होंने एक आदेश दे दिया कि मस्जिद पर चढ़ाई कर दो। अब मस्जिद में चढ़ाई कर दो तो हमें पता है टूटेगी, जैसे लोग मरेंगे पता नहीं, गुड़ जलवा देंगे। एक चीज और पता चली कि साक्षी महाराज के अनुसार अशोक सिंघल अयोध्या आंदोलन के लिए हिंदुओं को धर्म पर मरने के लिए निर्देश देकर वहां से चले गए थे। साक्षी महाराज रिपोर्टर को यह भी बताते हैं कि यदि साधु भी उस घटना में भाग गए होते तो वो भी मारे जाते। साक्षी महाराज ने जिस तरह से 1992 के दिसंबर में हुए भारतीय लोकतंत्र के उस अभागे दिन के राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताया, वह एक तरह से उस समय के घटनाओं का रूपरेखा ही था। एक चीज और पता चली कि कल्याण सिंह जी जब अपना इस्तीफा देने जा रहे थे उस समय, मतलब बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे कहा था, फिर उन्होंने इसकी चर्चा की कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि इस समय अध्यक्ष हम हैं और अटल जी कौन होते हैं, आप इस्तीफा अगर आपने अभी दे दिया, 12 बजे करीब की बात है, तो सेना आ जाएगी, केंद्र की सेना आ जाएगी। और बात जैसे आपने सुनी वैसे सच नहीं है जी, ये बात ऐसे सच है कि मैंने अभी कहा था ना, कल्याण सिंह ने कार सेवा शुरू होते इस्तीफा लिख दिया था जी। अटल जी से बात हुई नहीं हुई क्या हुआ ये कल्याण सिंह ही जवाब दे सकते, मैं नहीं दे सकता जी। लेकिन वो इस्तीफा देने जरूर जा रहे थे जी, क्योंकि वो हलफनामा दे के आए थे, रक्षा नहीं कर पाए, तो कल्याण सिंह तत्काल इस्तीफा देने जा रहे थे। तो इसकी जानकारी आडवाणी जी को भी मंच पर हम लोगों को दे दी गई जी। तो मैंने कहा कि अब तो ये नहीं रुक रहा, कल्याण सिंह जी इस्तीफा देने जा रहा है, क्योंकि कल्याण सिंह हॉटलाइन पर मेरे पास मेरे साथ थे जी। एक एक मुझे सूचना में कल्याण सिंह को दे रहा था, कल्याण सिंह मुझे जी यहाँ पर मैं कल्याण सिंह का प्रतिनिधि के रूप में वहां था जी। तो अगर मैं 5 मिनट बात नहीं करूंगा तो कल्याण सिंह परेशान हो जाते, तो कहां है कैसे, तो एक एक मिनट की बात में बोला इस्तीफा दिया तो सेना आ जाएगी। तो कल्याण सिंह जी मुरली मनोहर जोशी की नहीं मानने वाले जी। तो किसी नेता की नहीं मानने वाले थे, कल्याण सिंह जिद्दी भी बहुत थे। तो वहां सबने सलाह करके मैंने शेषाद्री जी से कहा कि आप अकेले रोक सकते हैं। तो मैंने शेषाद्री जी ने कल्याण सिंह को फोन किया जी। तो कल्याण सिंह मैं शेषाद्री बोल रहा जी, जो होना था वो हो गया जी, जो नहीं होना था वो हो गया, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, जितना तुम्हें कष्ट होगा उससे ज्यादा मुझे कष्ट। बहुत रिक्वेस्ट करके कहा कि इस्तीफा तो देना ही है, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, अगर आज इस्तीफा दे दोगे अभी तत्काल दे दोगे तो यहाँ बहुत बड़ी घटना घट जाएगी, बच्चे मारे जाएंगे, तुम नहीं चाहते मैं नहीं चाहता तो वो सब हो गया, तो
यूं लग रहा था कि शेषाद्री जी ये कह रहे कल्याण सिंह से बहुत बड़ा गलतफहमी हो गया, पर अब गलती आप नहीं करेंगे, इस्तीफा जब मैं कहूंगा तब देने जाएंगे। तो फिर वो उस कल्याण सिंह इस्तीफा लेके बैठे रहे, और इस्तीफा जब वो सब टूट गया, रामलला को माँ जी उठा लाई, तोड़ का बन बना के जब कुछ बन गया चबूतरा थोड़ा सा, रामलला को बैठा दिया गया, तब से शादी में बैठ गए। लेकिन जब यमुना पूजन कर लिया हमने, तो हमसे कहा गया कि सीधे चलो यहाँ से ईदगाह पर हमला बोल के। साक्षी महाराज के अनुसार आरएसएस के अधिकारी एचबी शेषाद्री ने कल्याण सिंह के इस्तीफा देने की रणनीति को भी तैयार कर ली थी। एचबी शेषाद्री की योजना के अनुसार जब तक रामलला को एक चबूतरे पर स्थापित नहीं कर दिया जाता, तब तक कल्याण सिंह को इस्तीफा नहीं देना था। साक्षी महाराज के अनुसार जब वो सब टूट गया, रामलला को उमाजी वहाँ उठा लाई, तोड़ ताड़ कर बन बना के जब कुछ बन गया चबूतरा थोड़ा सा, रामलला को बिठा दिया गया, तब शेषाद्री जी ने कहा अब दे दो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुनाव का? चुनाव भी ठीक होगा। जब रिपोर्टर साक्षी महाराज से दोबारा अयोध्या आंदोलन पर उनके योगदान की पुष्टि करने के लिए मिला, हर कार्य बड़े कार्य हर बड़ा कार्य बल्ला मांगता है। कोबरा पोस्ट रिपोर्टर साक्षी महाराज से सन 1990 के राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में जानने के लिए दोबारा मिला। मैं भी बोलती हूँ। चुनाव होगा। साक्षी महाराज ने रिपोर्टर को बताया कि मार्गदर्शक मंडल ने मस्जिद के गिराने के काम को एक प्रस्ताव पारित करके रोक दिया था। जब कुछ कार सेवकों ने चढ़ाई करने का इरादा कर लिया, तब साक्षी महाराज ने पारित प्रस्ताव को याद दिलाते हुए इसका विरोध किया था। साक्षी महाराज ने यह भी बताया कि तभी अशोक सिंघल मंच पर पता नहीं कहां से आए और उन्होंने ये घोषणा की कि हर बड़ा काम बलिदान मांगता है। साक्षी महाराज ने कहा अचानक अशोक सिंघल जी कहां से प्रकट हो गए। माइक पर उन्होंने कहा कि हर कार्य हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। हर कार्य बड़े कार्य हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। तो ये कह के अशोक सिंघल जी चले गए जी। नहीं, रेजोल्यूशन पास हो गया। पास हो गया। हाँ। ये अपने बस का काम नहीं है, मतलब हम हाथों से उसे नहीं तोड़ सकते। ये कहते हैं अशोक सिंघल जी चले गए। उसके बाद कुछ लोगों ने ये घोषणा की कि चलो चढ़ाई कर देते हैं, तो मंच मेरे हाथ में था, तो मैंने कहा कि नहीं, आदरणीय अशोक सिंघल जी मना करके गए हैं और एक प्रस्ताव पास हो गया है, तो अब इसमें आप लोग कौन होते हैं? जैसे आपने कह दिया मेरा नाम कुमार आशीष है, मैं कह कुमार आशीष है, कोई आपको कुमार तो लिया नहीं, तो वो लोग जिन्होंने कहा चलो हम तो जानते नहीं थे, हमने उनका विरोध किया और विरोध भी बुरी तरह से किया, जिससे उनकी बेइज्जती जैसी हुई। ये तो अशोक सिंघल जी का आदेश नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे इस काम को, और संतों को मना करके गए। और ब्रह्म संत स्वामी गांधी जी महाराज के मोहम्मद थे, सभा लगी हुई थी, एक बार अचानक अशोक सिंघल जी जिन खान से प्रकट हो गए, माइक मेरे हाथ में था, तो उन्होंने माइक मुझसे लिया, छीना तो क्या, जब हमसे सीनियर थे, हम डीएचपी कोटा से सांसद रहे हैं, तो छीनने का उसमें जरूर नहीं, तो मांगेंगे तो खुद दे देंगे, वो आ गए तो हम ही दे देंगे, बोलना चाहेंगे, तो माइक लिया। माइक पर उन्होंने कहा कि हर कार्य बड़े कार्य हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। साक्षी महाराज ने कार सेवकों को गोली कांड में मारे जाने पर भी सवाल उठाए, विशेष तौर से महेंद्र सिंह और कोठारी बंधुओं की मौत पर। साक्षी महाराज ने यह साफ साफ कहा कि पुलिस ने उन्हीं लोगों पर गोली चलाई जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। साक्षी महाराज के अनुसार, मैं उस दिन अयोध्या में था, गोली मुझे क्यों नहीं लगी, हमारे लोगों ने ही गिन गिन कर अच्छे लोगों पर गोली चलाई।
प्रेसिडेंट बहुत झूठे हैं जी, एक मुलायम सिंह, एक कल्याण। मुलायम सिंह ने मुसलमानों को बहकाया कि मैंने तुम्हारे लिए गोली चला दी रामपुर के ऊपर। मैं उस दिन भी अयोध्या में था, गोली मुझे क्यों नहीं लगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक भी गोली मुलायम सिंह ने नहीं चलवाई थी। हमारे लोगों ने ही गिन गिन के अच्छे लोगों पर गोली चलवाई थी, जो आंदोलन के प्रणेता थे, मैं नाम भी लिखा नहीं। और जब हमने उनका विरोध किया और कुछ लोगों को पीट पीट के हमने तहखाने में बंद किया, तो हमारे कपड़े खींचे गए, हमें पता ही नहीं था कि हमारे लोग करा रही है। तो लोगों ने कहा साहब जब तो कुछ लोग मरेंगे नहीं तो आंदोलन ऊपर नहीं उठेगा, आप लोगों को डर लगता मन जाइए। तो वो जो लोग कलंक मुलायम सिंह के माथे पर है और मुलायम सिंह कहता है कि मैंने मुसलमानों तुम्हारे लिए अपने लोगों को गोली भून दिया, मैंने एक भी गोली मुलायम सिंह ने चलवाई। अगर गोली मुलायम सिंह ने चलवाई होती तो मुलायम सिंह के जाने के बाद बीजेपी सरकार आई, गोली चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? इससे बढ़िया प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। उनको अच्छी अच्छी पोस्ट दी गई, क्यों? कि वो कहीं न कहीं रिलेशन में थे, चाहे विष्णु प्रसाद के, चाहे संघ के, चाहे किसी भी व्यक्ति के, कहीं न कहीं वो लोग रिलेशन में थे जिन्होंने गोली चलाई। और गोली चलाने में तो एरे गहरे नथु गहरे मरने चाहिए, वो साक्षी महाराज के सीने में गोली लगनी चाहिए, वो राजस्थान के अध्यक्ष हैं महेंद्र उनके गोली सीने गोली लगनी चाहिए, वो बंगाल के कोठारी बंधु उनके सीने में गोली लगनी चाहिए। किसने निश्चित किया? मुलायम सिंह क्या जाने कोठारी कौन है? मुलायम सिंह क्या जाने कि वो महेंद्रनाथ कौन है? सरयू से लाशों को निकालने का काम इन हाथों ने किया, और जो वहां चार धाम मंदिर में लाशें रखी थी उसे मक्खी मारने का काम इन हाथों ने किया। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले।